वेलकम बैक, वेलकम टू सिविल सर्विस स्टडी। टेस्ट नंबर 33 है फॉर यूपीएससी प्रीलिम्स 2019 एग्जामिनेशन के लिए। एग्जाम डेट है 2 जून 2019। इस वीडियो में, इस टेस्ट में फोकस करेंगे इन सभी चीज़ों पर, इंपॉर्टेंट है, इनको करंट से जोड़कर पढ़ेंगे और यूपीएससी प्रीलिम्स 2019 के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। बेल आइकन को प्रेस रखिएगा फॉर लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन के लिए। अगर वीडियो पसंद आती है तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं टेस्ट। क्वेश्चन नंबर 1 है, नील कुरुंजी या कुरुंजी पौधे के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह पौधा दक्षिण भारत के पश्चिमी घाट में पाया जाता है। यह पश्चिमी घाट के 1800 मीटर ऊंचे 16 घास के मैदानों में बहुतायत उगता है। यह पौधा 12 वर्षों में केवल एक ही बार फूल देता है। बताइए स्टेटमेंट। देखिए, कल ये प्रश्न कल के टेस्ट में डाला गया था तो कुछ त्रुटि थी उसमें, लेकिन उसका संशोधन कल ही डिस्क्रिप्शन में नीचे और पिन करके जो कमेंट है उसमें भी कर दिया गया है। देखिए, किसी प्रश्न में कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक या उसका उत्तर बताने में कुछ त्रुटि हो सकती है, ऐसा हर बार नहीं होता, 20 से 25 टेस्ट में एक बार हो सकता है। इसलिए आप लोग अपना रक्तचाप ना बढ़ाया कीजिए एकदम से, डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक कर लीजिए, क्योंकि 1 से 2 घंटे में उसका संशोधन कर दिया जाता है। कमेंट बॉक्स इसलिए है यूट्यूब का, ताकि आप अपने विचार विमर्श उसमें व्यक्त कर सको और अगर कोई चीज़ गलत लग रही है तो उसका खंडन करके बता सको। बताइए इसका आंसर क्या है। देखिए, तीनों के तीनों स्टेटमेंट जो है यहाँ पर करेक्ट हैं। नील कुरुंजी वृक्ष के बारे में याद कैसे रखोगे इसको, नीलगिरी की पहाड़ियों में पाया जाता है पश्चिमी घाट में, करेक्ट है, 1800 मीटर की ऊंचाई पर 16 घास के मैदान में उगता है, 12 वर्षों में केवल एक ही बार फूल देता है। तीनों के तीनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं। इंपॉर्टेंट इसलिए हैं क्योंकि 2018 की जुलाई से न्यूज़ में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब दक्षिण भारत गए थे तो उन्होंने अपने संबोधन के दौरान विचार विमर्श में इस पुष्प का नाम लिया था, क्योंकि इसका 12वां साल 2018 में शुरू हुआ था और उस समय जुलाई में इसने फूल देने शुरू कर दिए थे। तो यह है नील कुरुंजी का पुष्प, 12 साल में केवल एक ही बार उगता है, इस तरह की उगता है। देखिए धरती में किस तरह से दिख रहा है, नीलगिरी की पहाड़ियाँ ये। तो नील कुरुंजी के नाम से नीलगिरी, तमिलनाडु, वेस्टर्न घाट, इस तरह से याद कर लीजिए। नील कुरुंजी या कुरुंजी पौधा दक्षिण भारत के पश्चिमी घाट में 1800 मीटर के ऊँचे 16 जो घास के मैदान है वहाँ पर बहुतायत उगता है। यह पौधा 12 वर्षों में केवल एक ही बार फूल देता है। नीलगिरी पर्वत को अपना नाम, देखिए नीलगिरी पर्वत को अपना नाम इन्हीं नीले कुरुंजी पुष्पों के आच्छादित होने से मिला है। तो देख लीजिए कितना पुराना है। इस फूल के खिलने का 12वां साल विगत वीता वर्ष 2018 था। इम्पोर्टेंट है, 2 जून में पूछा जा सकता है। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। नीलगिरी ताहर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या है नीलगिरी ताहर? नीलगिरी ताहर एक एनिमल है, जंतु है। नीलगिरी ताहर भारत के तमिलनाडु और केरल राज्य में नीलगिरी पर्वत और पश्चिमी घाट के दक्षिणी भाग में पाया जाता है। करेक्ट है, नीलगिरी नाम से लग रहा है, नीलगिरी की पहाड़ियाँ तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक में फैलेंगे तो वहीं पाया जाता होगा। इसे स्थानीय बोलचाल में नीलगिरी साकिन के नाम से जाना जाता है। करेक्ट है, यह भी नीलगिरी साकिन के नाम से जाना जाता है। इसे IUCN की सुभेद सूची में रखा गया है। तो देखिए गलत है यहाँ पर, इसे IUCN की सुवैध सूची में नहीं रखा गया, इसे IUCN की इंडेंजर्ड सूची में रखा गया है। तो उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? थर्ड तो हो नहीं सकता, इसको भी केवल 1 और 2 हो जाएगा। तो आंसर हो जाएगा 1 और 2 ओनली। तो नीलगिरी ताहर भारत के तमिलनाडु और केरल राज्य में नीलगिरी पर्वत और पश्चिमी घाट के दक्षिणी भाग में पाया जाता है। इसे स्थानीय बोलचाल में नीलगिरी साकिन के नाम से जाना जाता है। ये रहा इसका फोटो। इसे IUCN की संकटग्रस्त मतलब एंडेंजर्ड सूची में शामिल किया गया है। सुबेद का मतलब देखिए, सुबेद का मतलब होता है यहाँ पर वुलनरेबल, मतलब एक तरह से चपेट में हो गया, लेकिन इंडेंजर्ड जो होता है वो सुबेद से भी ज़्यादा खतरनाक होता है। ये है IUCN की सूची, इस तरह से चलती है, ये इधर से चलती है इस तरह से, मतलब सबसे पहले होता है लीस्ट कंसर्न, उसके बाद आगे देखा जाए तो एंटी, फिर वुलनरेबल के बाद इंडेंजर्ड आता है, फिर क्रिटिकली इंडेंजर्ड आता है, फिर EW, फिर एंड में एक्सटिंक्ट हो जाता है। मतलब एक्सटिंक्ट का मतलब विलुप्त हो गया, पूरा अस्तित्व ही ख़त्म। लीस्ट कंसर्न मतलब काफ़ी प्रजातियां बची हैं, बहुत कम खतरा है, इस तरह से चलता है। और ये तीनों जो हैं यहाँ थ्रेट में आ जाते हैं, वुलनरेबल, इंडेंजर्ड और क्रिटिकली इंडेंजर्ड। वुलनरेबल का मतलब सुभेद का मतलब उस पर भेद किया जा सकता, मतलब चपेट में आ गया। एंडेंजर्ड मतलब संकटग्रस्त है, और क्रिटिकली एंडेंजर्ड मतलब गंभीर रूप से संकटग्रस्त है। इम्पॉर्टेंट है, कभी कभी इंक्रीजिंग
ऑर्डर में इसको पूछा जा सकता है या रख दिया जाता है। सभी के सभी नहीं रखेगा तो लीस्ट कंसर्न रख देगा, वुलनरेबल, इंडेंजर्ड, क्रिटिकली इंडेंजर्ड, इंडेंजर्ड और एक्सटिंक्ट रख देगा। चलिए अगला देखते हैं। सॉरी, नीलगिरी लंगूर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नीलगिरी लंगूर नीलगिरी की पहाड़ियों में पाया जाता है। देखिए, नाम से पता चल रहा है कि नीलगिरी लंगूर नीलगिरी की पहाड़ियों में होगा। करेक्ट है। नेक्स्ट है, नीलगिरी पहाड़ियों का विस्तार तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक तक है। करेक्ट है, तीनों में है। हाल ही के कुछ वर्ष पहले नीलगिरी लंगूर विलुप्त हो गया है। देखिए, बिल्कुल विलुप्त नहीं हुआ है, अभी एक्सटेंड नहीं हुआ है, ये गलत है स्टेटमेंट। तो पूछ क्या रहा है, उपरोक्त कथनों में से कौन से कथन सही नहीं है? तो देखिए, फर्स्ट करेक्ट है, सेकंड करेक्ट है, थर्ड इनकरेक्ट है, तो केवल तीसरा इसका हो जाएगा आंसर। तो यह है नीलगिरी लंगूर नॉर्मल लंगूर के जैसा। नीलगिरी लंगूर नीलगिरी की पहाड़ियों में पाया जाता है। नीलगिरी पहाड़ियों का विस्तार तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक तक है। इसकी प्रजातियों में कमी होने के कारण IUCN ने इसे सुबेद या चपेट, मतलब वुलनरेबल, सूची में रखा गया है, एक्सटिंक्ट नहीं हुआ है। चपेट का मतलब है, वुलनरेबल का मतलब है कि हाँ, इस पे संकट की घड़ी मंडराने लगी है, इसके ऊपर भी ये भी चपेट में आ सकता है, इसलिए आ गया है, इसलिए IUCN ने इसको वुलनरेबल की सूची में रखा है। चौथा प्रश्न है, शेर पूंछ मकाक बानर, मतलब लॉन्ग टेल्ड मैकॉक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह दक्षिण भारत के पश्चिमी घाट में पाया जाता है। करेक्ट है। इसके वन आवास को कृषि भूमि में तब्दील किए जाने के कारण यह अब विलुप्त प्राय श्रेणी में आ गया है। देखिए, करेक्ट है। ये भी, यह नीलगिरी की पहाड़ियों में केवल केरल और कर्नाटक में पाया जाता है। ये गलत है, ये तमिलनाडु में ही पाया जाता है। तो ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। 1 और 2 करेक्ट हो जाएगा। तो ये देखिए, ये है लॉन्ग टेल्ड मैकॉक, जिसका जो मुंह होता है सिंग की तरह, इसकी पूंछ भी होती है, तो सिंग पूंछी मकाक बानर बोलते हैं इसको, या फिर सिंग मुंह मकाक बानर बोलते हैं। अगला प्रश्न है, शेर पूंछ मकाक बानर, मतलब लॉन्ग टेल्ड मैकाक, दक्षिण भारत के पश्चिमी घाट में पाया जाता है। इसके वन आवास को कृषि भूमि में तब्दील किए जाने के कारण अब यह विलुप्त प्राय प्राणी की श्रेणी में आ गया है। यह नीलगिरी पहाड़ियों में केरल में ही पाया जाता है, कर्नाटक में ही पाया जाता है, तमिलनाडु में ही पाया जाता है। यह IUCN की संकटग्रस्त, मतलब इंडेंजर्ड सूची में इसको शामिल कर दिया गया है। हिमालयन तहर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह जंगली बकरी से मिलती जुलती एक एशियाई प्रजाति है। करेक्ट है। यह उत्तर भारत, दक्षिणी तिब्बत और नेपाल के मूल निवासी हैं। उत्तर भारत, दक्षिणी तिब्बत और नेपाल के मूल निवासी हैं कौन? नीलगिरी तार। तो करेक्ट है ये वाला स्टेटमेंट भी। यह न्यूजीलैंड में, दक्षिण अफ्रीका में और दक्षिण अमेरिका के कुछ हिस्सों में भी पाया जाता है, जहाँ इसको विदेशी प्रजाति के रूप में रोपित किया था। ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है, तीनों के तीनों यहाँ पर करेक्ट हैं। तो ये देख लीजिए, इस तरह से नीलगिरी तार होता है, जंगली बकरे की तरह, इस पर के सर पर बहुत सारे बाल होते हैं। ये बाल इसलिए होते हैं कि हिमालय में जो बर्फ़ पड़ती है, ताकि उससे, उस ठंडी से और बर्फ पर इनकी रक्षा की जा सके। हिमालयन ताहर जंगली बकरे से मिलती जुलती एक एशियाई प्रजाति है। यह उत्तर भारत, दक्षिणी तिब्बत और नेपाल के मूल निवासी हैं। यह न्यूजीलैंड, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका के कुछ हिस्सों में भी पाया जाता है, जहाँ इसको विदेशी प्रजाति के रूप में रोपित किया जाता है। बिल्कुल किया जाएगा, क्योंकि एशिया की प्रजाति है, तो वहाँ जाकर तो विदेशी कहलाएगी। IUCN ने इसको नियर थ्रेट, मतलब काफ़ी संख्या में पाए जाते हैं, इसलिए इसको नियर थ्रेट है। नियर थ्रेट का मतलब है, देखा जाए तो थ्रेट मतलब खतरे के पास है ये, देखा जाए तो, लेकिन इंडेंजर्ड से पहले है, जो सूची मैंने आप लोगों को दिखाई थी। निम्नलिखित में से कौन सी प्रजातियां भारत से विलुप्त हो गई हैं? एक्सटिंक्ट एनिमल्स ऑफ इंडिया कौन कौन से हैं इनमें बताइए। देखिए, पिंक हेडेड डक, ये पिंड नहीं है, पिंक हेडेड डक है, PINK, पिंक हेडेड डक है, और सुंदरवन ड्रॉफ राइनोसोरस और इंडियन चीता। तो देखिए, पिंक हेडेड डक, सुंदरवन राइनोसोरस और पिंक इंडियन चीता, तीनों के तीनों जो हैं ये एक्सटिंक्ट हो गए हैं, विलुप्त हो गए हैं भारत से, भारत में नहीं मिलते। तो 1, 2 और 3 करेक्ट हो जाएगा। तो ये दिस इज़ द लिस्ट ऑफ एक्सटिंक्ट एनिमल्स ऑफ इंडिया, कुछ हैं, इनको रिवाइज कर लीजिए अच्छे से। देखिए, इंडियन चीता तो है ही है, पिंक हेडेड डक है, देखिए और क्या है, सुंदरवन ड्रॉफ राइनोसोरस, और इन सबको भी पढ़ लीजिए एक बार, नज़र मार लीजिए, पूछा जा सकता है। IUCN के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका पूरा नाम इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर है। करेक्ट है।
इसकी स्थापना 5 अक्टूबर 1948 को हुई थी, ये भी करेक्ट है। इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड में, करेक्ट है। तो तीनों के तीनों स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट हो जाते हैं। देखिए आप लोग भी जैसा नेक्स्ट क्वेश्चन आया करे, वीडियो को पॉज कर लिया करो, अपना आंसर लिख कर या अपने माइंड में काउंट कर लिया करो, ताकि 10 में से कितने सही हों पता तो चले। नेक्स्ट है ओलिव रिडले कछुए, ओलिव रिडले टर्टल के बारे में कुछ स्टेटमेंट है यहाँ पर। भारत में उड़ीसा का जो गहिरमा था, इनके जन्म का मुख्य स्थान है, करेक्ट है। दुनिया भर में इन कछुओं की 7 प्रजातियाँ पाई जाती हैं, 7 प्रजातियाँ, करेक्ट है इतना। जिनमें से भारत में केवल एक ही प्रजाति पाई जाती है, देखिए ये गलत है, केवल एक प्रजाति नहीं पाई जाती, कम से कम भारत में 7 में से 4 से लेकर 5 प्रजातियाँ पाई जाती हैं। ओलिव रिडले प्रजातियों को सभी प्रजातियों में सबसे छोटा कछुआ माना जाता है, कछुओं की प्रजातियों में, ये करेक्ट है। तो सेकंड इनकरेक्ट हो गया, तो ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, 1 और 3 करेक्ट हैं, तो हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी। तो देखिए जो ओलिव रिडले टर्टल होते हैं, मतलब ओलिव रिडले कछुए जो होते हैं, वो भारत में उड़ीसा का जो गहिरमा था, उनके जन्म का मुख्य स्थान है। दुनिया भर में इन कछुओं की 7 प्रजातियाँ पाई जाती हैं, इनमें से 5 प्रजातियाँ भारत के समुद्र और तटीय इलाकों में भी मिलती हैं, जिनमें से ओलिव रिडले भी एक प्रजाति है, एक प्रमुख है। ओलिव रिडले प्रजाति को सभी प्रजातियों में सबसे छोटा कछुआ माना जाता है। लेदर बैक कछुआ, ओलिव रिडले कछुआ, हॉक्सवेल कछुआ और हरा कछुआ, ये भारत में पाई जाने वाली प्रजाति हैं। करीब 100 से 150 अंडे प्रत्येक महिला कछुआ द्वारा दिए जाते हैं। अगर इनको इंग्लिश में देखें तो लेदर बैक टर्टल, ओलिव रिडले टर्टल, हॉक्सवेल टर्टल और ग्रीन टर्टल, ये इंडिया में मुख्य रूप से पाई जाती हैं। और टोटल जो विश्व में इसकी 7 प्रजातियाँ पाई जाती हैं। एक महिला ओलिव रिडले टर्टल, फीमेल ओलिव रिडले टर्टल 100 से 150 अंडे तक दे सकती है। देखिए हाल ही में निम्नलिखित में से किस संकट को संयुक्त राष्ट्र द्वारा विश्व के गंभीरता मानवीय संकट के रूप में घोषित किया है, कौन है वो बताइए। रोहिंग्या शरणार्थी संकट है क्या, श्रीलंकाई गृह युद्ध है क्या, यमन संकट है या सीरियाई संकट है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है, यूपीएससी में पूछा जा सकता है। तो जो संयुक्त राष्ट्र ने अभी हाल ही में विश्व के गंभीरता मानवीय संकट के रूप में जिसको घोषित किया है, वो है यमन संकट को, कौन सा, यमन संकट। तो देखिए अरब क्षेत्र के निर्धनतम देशों में से एक यमन को गृह युद्ध में सऊदी अरब के कारण अत्यधिक क्षति का सामना करना पड़ा है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा यमन संकट को विश्व के गंभीरतम मानवीय संकट के रूप में घोषित किया है। अंतिम प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह पश्चिमी घाट की स्थानिक प्रजाति है, कौन, इनमें से किसी एक की बात हो रही है। यह तमिलनाडु का राजकीय पशु भी है। इसकी सर्वाधिक संख्या एरविकुलम राष्ट्रीय उद्यान में मिलती है या पाई जाती है। तो उपर्युक्त कथन निम्नलिखित में से किस पशु को संदर्भित करता है, बताइए किस पशु को संदर्भित करता है। एक से ही वैसे पूरा आंसर निकल जाना चाहिए। यह तमिलनाडु का राजकीय पशु है, कौन हो सकता है, ब्लैक बक, सिंगपुछी मकाक बानर, नीलगिरी ताहर या मालाबार पैरिकीट। तो देखिए इस पशु की जो बात की जा रही है, जो राजकीय पशु है तमिलनाडु का, वो है नीलगिरी ताहर। नीलगिरी ताहर है जो एरविकुलम राष्ट्रीय उद्यान में मिलता है और पश्चिमी घाट की स्थानिक प्रजाति है। अभी एक बार डिस्क्रिप्शन में बता चुका हूँ, एक बार और डिस्क्रिप्शन देख लीजिए इसका। तो नीलगिरी ताहर तमिलनाडु का राजकीय पशु है। एरविकुलम राष्ट्रीय पार्क में लगभग 1000 की संख्या में ये पाए जाते हैं। यह अनुमान, एक अनुमान के अनुसार यहाँ के वनों में इनकी संख्या लगभग 2500 ही शेष बची है। यह पश्चिमी घाट की एक संकट ग्रस्त स्थानिक स्तनपाई प्रजाति है, मतलब मैमल है। इसकी ऐतिहासिक रूप से नीलगिरी ताहर पश्चिमी तट के सभी क्षेत्रों में पाया जाता है, इंपॉर्टेंट लाइन है। पश्चिमी तट के सभी क्षेत्रों में पाया जाता है नीलगिरी ताहर, मतलब तमिलनाडु में भी, केरल में भी, कर्नाटक में भी। नीलगिरी ताहर एक भूरे रंग की जंगली पहाड़ी बकरी की प्रजाति है, जिसकी एक प्रजाति हिमालयन ताहर भी है, जो ऊपर की तरफ पाई जाती है। तो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे ये यूपीएससी प्रीलिम्स 2019 के लिए, टेस्ट नंबर 33 था जो कंप्लीट हो गया। 33 प्लेलिस्ट सबकी बना रखी, एक बार कम से कम रिवीजन मार लीजिए। बेल आइकन को प्रेस रखिए फॉर लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए। थैंक्स फॉर लिसनिंग, थैंक्स फॉर वॉचिंग।